रायबरेली में कौर होगा भाजपा के उम्मीदवार, अमित शाह ने बताया कांग्रेस पर खूब बरसे। आप देख रहे हैं द खबरदार न्यूज, ये न्यूज चैनल नहीं आपकी आवाज है, आवाज ऐसी जिसे ना कोई दबा सकता है ना झुका सकता है, हम करते हैं सबको खबरदार। लोकसभा चुनाव के लिए दो चरणों की वोटिंग खत्म हो चुकी है। 2019 की तुलना में इस साल करीब 3% का मतदान हुआ। हालांकि भाजपा के कद्दावर नेता और देश के गृह मंत्री अमित शाह अपनी पार्टी की जीत को लेकर आश्वस्त हैं। उन्होंने कहा कि वोटिंग कम होने के बावजूद उनकी पार्टी की सीटों की संख्या बढ़ेगी। इसके साथ ही उन्होंने ये भी दावा किया कि उनकी सरकार ने झारखंड, बिहार, तेलंगाना, ओडिशा, आंध्र प्रदेश और महाराष्ट्र में नक्सलवाद को पूरी तरह खत्म कर दिया है। वहीं दिए एक इंटरव्यू में अमित शाह ने कई मुद्दों पर अपना पक्ष रखा है। उन्होंने कहा कि छत्तीसगढ़ में भाजपा के सत्ता रोकने के बाद 4 महीने के भीतर 90 नक्सली पकड़े गए, 123 गिरफ्तार किए गए और 250 ने खुद आत्मसमर्पण कर दिया। कल ही 10 और नक्सली मारे गए और बुधवार सुबह 9 बजे छत्तीसगढ़ के माओवादियों ने ओडिशा में आत्मसमर्पण कर दिया। ईवीएम में हेरफेर के आरोप पर विपक्ष का पलटवार, अगर आप चुनाव लड़ते तो ऐसा नहीं कहते, मशीन को सभी पोलिंग एजेंटों से सील कर दिया गया है, इससे छेड़छाड़ नहीं की जा सकती, वे सिर्फ बहाने ढूंढ रहे हैं। लोग पूछेंगे कि आपको कैसे पता कि आपको कितनी सीटें मिलेंगी, इस सवाल के जवाब में अमित शाह ने काउंटर सवाल किया। उन्होंने पूछा कि तो फिर राहुल गांधी को कैसे पता चला कि हमें 150 सीटें मिलेंगी, क्या राहुल ने ईवीएम से छेड़छाड़ की है। जमीन पर काम करने वालों का अपना आकलन है, बात सिर्फ इतनी है कि हमारे आकलन अधिकतर सटीक होते हैं। बीजेपी रायबरेली के उम्मीदवार का ऐलान क्यों नहीं कर रही है? रायबरेली में हमने तय किया है कि उनका उम्मीदवार घोषित होने के बाद हम ऐसा करेंगे, हमारे पास 3 उम्मीदवार हैं, जैसे वे अपनी घोषणा करेंगे तो हम भी अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान कर देंगे, वे ऐसा उम्मीदवार ढूंढ रहे हैं जो हारने के लिए तैयार हो। चुनाव में इतना ध्रुवीकरण कौन कर रहा है, आप क्या मुद्दा उठाते हैं, ये आपका फैसला है, लेकिन इस बार का चुनाव 3 करोड़ गरीबों को घर, 70 साल से ज्यादा उम्र वालों को 5 लाख का स्वास्थ्य बीमा, गरीबों को अगले साल 5 साल तक मुफ्त अनाज देने पर है। भारत को तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनाने की जरूरत है, एक राष्ट्र एक चुनाव देश की जरूरत है और देश में समान नागरिक संहिता लागू करने की भी जरूरत है। मीडिया को यह रचनात्मक एजेंडा पसंद नहीं है, इसलिए वह चीजों को विवाद के साथ उठाता है। इस चुनाव में आप कांग्रेस को कितनी जीतें देते हैं? जब इंदिरा गांधी आई तो आपातकाल लागू हो गया, लेकिन बीजेपी का एक देश कोई चुनाव नहीं का कोई इरादा नहीं है। हम कांग्रेस के बारे में नहीं जानते, लेकिन हम इस लोकसभा में 400 सीटें पार कर रहे हैं। दूसरे चरण के बाद बीजेपी को कितनी सीटें आ रही हैं? सवाल के जवाब में अमित शाह ने कहा कि हम 100 से ज्यादा लोकसभा सीटें जीत रहे हैं। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अपने सपनों का घर बना रहे हैं? एपी कंस्ट्रक्शन सॉल्यूशंस आपके लिए तैयार है। मजबूत सिविल इंजीनियरिंग से लेकर आकर्षक वास्तुकला और विशेषज्ञ वास्तु परामर्श तक हम आपके सपने को साकार करते हैं। वास्तुकला, वास्तु और हुनर इतने बढ़िया, दिए गए नंबर पर कॉल करें और अपने घर के डिजाइन को चमकाएं। प्लीज विजिट द माउंटेन कैफे एंड बेकरी फॉर फास्ट फूड नियर बाय सोहागी बाईपास।